गुड मॉर्निंग। आज आज का टॉपिक है गेट में नैंड गेट से आर गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट प्राप्त करना। इसके पीछे लेक्चर में आपने नार गेट से आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट प्राप्त करने को पढ़ चुके होंगे। अब उसके आगे जो टॉपिक है वो है नैंड गेट से आर एंड तथा नॉट गेट। ठीक है, यदि आपको इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझना है तो पीछे स्टार्ट लॉजिक गेट का जो स्टार्ट लेक्चर है उसको ज़रूर पढ़ेंगे, तब जाके ये समझ में आएगा। यदि आप इसको डायरेक्ट इसको स्टार्ट करेंगे और इसके पहले आप लॉजिक गेट जानते ही नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो यदि आपको इसको पढ़ना है तो इसके पहले वाले और पहले वाले लॉजिक गेट की जहाँ से स्टार्टिंग हुई है उसको जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और स्टार्ट से पढ़ेंगे तो कोई ऐसा कुछ हुआ, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो समझ में ना आएगा। तो टॉपिक है नैंड गेट से आर एंड तथा नॉट गेट कैसे प्राप्त करोगे, ये प्रश्न है। नैंड गेट से आर एंड तथा नॉट गेट कैसे प्राप्त करोगे, ये प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को याद दिलवा दें, आर गेट के लिए वाई इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है। एंड गेट के लिए वाई इक्वल टू ए इंटू बी होता है। नॉट गेट के लिए वाई इक्वल टू ए नॉट होता है। नार गेट के लिए बाई इक्वल टू ए प्लस बी का नाट होता है। और नैंड गेट के लिए बाई इक्वल टू ए इंटू बी का नाट होता है। और एक डिमार्गन नियम है, डिमार्गन नियम से ए नाट प्लस बी नाट का यदि होल नाट है तो ए इंटू बी होता है। और यदि ए नाट इंटू बी नाट का होल नाट है तो ए प्लस बी होता है। और यदि डबल नाट रहे तो हट जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और इसमें जानने के लिए 1 + 1 = 1 होता है, ये भी जानते रहिए द्विआधारी संख्याओं में। यदि इतने पॉइंट को आप समझते हैं तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और लॉजिक गेट का टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको पढ़ेंगे तो दुनिया कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपसे क्वेश्चन ना बने, ये आपके सामने आ सके। तो पहला हम लेके चलते हैं नैंड गेट से आर गेट प्राप्त करना। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, यदि नैंड और नार गेट में एक इनपुट दिया रहता है, नैंड और नार गेट में एक इनपुट दिया रहता है तो वो नॉट गेट जैसे काम करता है। ध्यान रखना इस बात का, यदि नार गेट और नैंड गेट में एक इनपुट लगा हुआ है तो वो ठीक उसी प्रकार काम करेगा जैसा नॉट गेट काम करता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला मेरा पॉइंट है नैंड गेट से आर गेट प्राप्त करना, है ना। तो इसके लिए तीन नैंड गेटों का इसके लिए तीन नैंड गेटों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। इसके लिए तीन नैंड गेटों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, देखना कैसे। तीन नैंड गेटों का उपयोग कैसे करेंगे देखना। पहले हम क्या करते हैं, ये रहा, ये एक नैंड गेट है और इसमें हमने एक इनपुट दिया है तो ये नॉट जैसे काम करेगा, तो ए नॉट कर दिया। अब बी में भी एक इनपुट हमने दिया तो ये बी को क्या कर दिया, बी नॉट कर दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, एक और
नैंड लगा देते हैं, तो इसका काम है कि दोनों इनपुट का इनटू करके नॉट लगाना, दोनों इनपुट का इनटू करके नॉट लगाना। और ये डिमार्गन लॉस ए प्लस बी हो गया, ये गेट है नैंड गेट, ये भी गेट है नैंड गेट, ये भी गेट है नैंड गेट, लेकिन ये जब तीनों मिलकर एक साथ काम किए तो क्या बना ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स कौन सा गेट आ गया, आर गेट। वास्तव में ये तीन गेट जो उपयोग किए गए हैं वो है नैंड गेट, लेकिन जो तीनों मिलकर आउटपुट दे रहे हैं वो आर गेट जैसे दे रहे हैं, इसलिए ये कहा गया कि नैंड गेट से आर गेट बन गया। क्या कहा हमने, तीनों गेट हैं नैंड गेट और तीनों मिलकर जब आउटपुट दे रहे हैं तो ए प्लस बी दे रहे हैं, इसका अर्थ हुआ कि नैंड गेट मिलकर आर गेट जैसे काम कर रहे हैं। और जिसके जैसे ये काम कर रहे हैं उसका हमने ये डिजाइन डैश में कर दिया है, ये ठीक है, ये क्या बन गया, आर गेट। किन की सहायता से, नैंड गेट की सहायता से। अब सत्य सारणी इसकी बनाना है, सत्य सारणी तो देखना, ये रहा इनपुट और ये रहा आउटपुट, ठीक। इनपुट में हम ए और बी तो देंगे ही, केवल ए और बी, यहाँ ए नाट कर लेते हैं और यहाँ पर बी नाट कर लेते हैं, और यहाँ ए नाट इंटू बी नाट का होल नाट, तो ये ए प्लस बी बन गया है, ठीक है ना। अब देखना इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब जीरो का नाट क्या होगा, वन, वो जीरो का वन, वन का जीरो, वन का जीरो, नाट जीरो का नाट वन, जीरो वन जीरो। अब ए प्लस बी, तो ये जीरो प्लस जीरो, ये जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो, वन प्लस वन, ये तो ये हो गया इसका सत्य सारणी, ठीक है ना। तो ये नैंड गेट से आर गेट प्राप्त हुआ ऐसा ऐसा करने पर। हमने बता दे, सुनिए, नैंड गेट, नैंड गेट में जब एक इनपुट दिया रहता है तो वो नॉट जैसे काम करता है, तो चाहो तो इस नैंड की जगह आप नॉट भी लगा सकते हो, नैंड की जगह क्या लगा सकते हो, नॉट। तो ये कहा जाएगा कि नैंड नैंड और नॉट की सहायता से आर आर बन गया, और एक एक निवेशी वाला नैंड और नॉट और नार एक ही जैसे होते हैं, तो चाहो तो यहाँ आप नार भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, नार। तो यह हो जाएगा नॉट, नार और नैंड की सहायता से ये बन जाएगा। फिलहाल मेरा टॉपिक है नैंड से आर गेट प्राप्त करना, इसलिए हम हर जगह नैंड नैंड ही लगाए हैं, पर बता रहे हैं कि आप चाहो तो इस नैंड को नॉट लिख सकते हो, क्योंकि एक इनपुट का नैंड नॉट जैसे ही होता है, एक इनपुट का नार नॉट जैसे ही होता है, एक इनपुट का एक नैंड और नॉट में, नैंड और नार यदि एक इनपुट है तो नार और नैंड में कोई अंतर नहीं है, यदि एक इनपुट है तो नार नैंड नाट में कोई अंतर नहीं है, जो नैंड करेगा वही नार करेगा, वही नाट करेगा, यदि एक इनपुट है तो, याद रखना, ठीक है ना। नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त करना, तो क्या करेंगे, लिखे दे रहे हैं, नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए दो दो नैंड
गेटों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए दो नैंड गेटों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। देखना, ये रहा नैंड गेट ए बी। ये नैंड गेट का काम है दोनों का इंटू करके नॉट लगाना। अब यहाँ एक और नैंड गेट लगा दिए, ये भी नॉट लगा देगा, तो ए इंटू बी का नॉट तो ये नॉट हट जाएगा, ये ठीक है ना। ये गेट कौन सा है? नैंड गेट। ये गेट कौन सा है? नैंड गेट। दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो किसके जैसे कार्य कर रहे हैं? एंड गेट जैसे। क्या बना? ये एंड गेट बन क्या गया? एंड गेट है क्या? नैंड गेट, ठीक है ना। अब इसमें भी सत्य सारणी, सत्य सारणी में इनपुट में क्या है, आउटपुट में क्या है, ए बी, ए इंटू बी का नॉट, और यहाँ ए इंटू बी का डबल नॉट मीन्स ए इंटू बी, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। अब ए इंटू बी कराओ, जीरो जीरो का इंटू कराओ तो जीरो और नॉट लगाएं तो वन, ये वन वन और ये जीरो, और इसमें ए इंटू बी तो जीरो 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 वन, ठीक है ना। तो ये रहा नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त हो गया। यहाँ एक इनपुट है इसलिए आप चाहो तो नॉट गेट भी लगा सकते हो, और कह दोगे कि नैंड और नॉट से एंड बन गया है, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट, नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना, तो लिख देते हैं नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करने के लिए एक निवेशी सिग्नल युक्त नैंड गेट, नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करने के लिए एक निवेशी सिग्नल युक्त नैंड गेट का उपयोग किया जाता है। देखो, ये रहा नैंड गेट, लेकिन यहाँ पर मिला क्या? ये गेट है नैंड, काम कर रहा किसके जैसे? नॉट जैसे, ठीक है ना। तो ये रहा बाई इक्वल टू ए नॉट। अब इसकी सत्य सारणी की बात करें, तो ये है इनपुट और ये है आउटपुट। तो इसमें ए है ये, और ये वाई इक्वल टू ए नॉट, ये ए ली, ए जीरो लिया तो यहाँ वन हो गया, वन लिया तो जीरो हो गया, बस और क्या।
तो इस प्रकार से नैंड गेट से नाट गेट भी प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये लॉजिक गेट में आप लोगों को, लॉजिक गेट का ये बता दें आप लोगों को, तीन ठो लेक्चर है, जिसे पहले लेक्चर में आप लोगों को पाँचों गेट के बारे में बताया गया है, दूसरे लेक्चर में नार गेट से तीनों गेट को प्राप्त किया गया है, और तीसरे लेक्चर में नैंड गेट से ये तीनों को प्राप्त किया गया है। इसको यदि आपको समझना है तो आपको गेट के स्टार्ट से पढ़ना पड़ेगा तीनों लेक्चर, तब आपसे जाके गेट के बारे में पूरी जानकारी हो पाएगी। और किसी कारण से आपने स्टार्ट का नहीं पढ़ा, इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आना ही नहीं चाहिए, ये नहीं है कि आ जाएगा, है ना। स्टार्ट से जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, वैसे भले आप किसी तरह से याद कर लो तो कुछ क्षण के लिए बन जाए, लेकिन यदि समझना है तो स्टार्ट से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे का जो वीडियो आपको आने वाला मिलेगा वो ये 14 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी हम बनाएंगे, जिसमें बोर्ड एग्जाम में उसके एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। आप ये बता दें, इसमें स्पेशली एमपी बोर्ड की यदि बात करें तो इसमें से इस 14 चैप्टर से सेमीकंडक्टर अर्धचालक से 7 नंबर का आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा, 3 ठो ऑब्जेक्टिव। तो आगे जो वीडियो आपको मिलेगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।